तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया अंबानी को देखने के लिए, ये असली वाला नहीं, ये वाला। तो अंबानी मेरे लोड़े पे, जी हाँ दोस्तों वो भी सोने का है। ये बात गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चा अंबानी को सच में खरीद सकता है, क्योंकि इसके पास इतना पैसा है कि अमेरिका भी इससे लोन ले रखी है। लेकिन सवाल यह है कि इसके बैंक के खाते में कितना पैसा है, बिलियन में या फिर ट्रिलियन में? देखो इसके बैंक के खाते में कोई पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक ही इसका है। लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद आज गिन के बताऊंगा कि इसके पास कितना पैसा है। देखो ओबामा कितना भी अमीर हो, लेकिन वो अपने देश से तो बिल्कुल भी अमीर नहीं हो सकता। मतलब उसको मिला के ही तो उसके देश का टोटल इकोनॉमी मापा जाएगा, है कि नहीं? तो फिर ओबामा का देश कौन सा है? जापान। देखो मैं यहाँ पर GDP एंड नेटवर्थ को लूँगा, ठीक है। अब गूगल में सर्च करने के बाद मुझे मिला कि जापान का GDP है 4.23 ट्रिलियन US डॉलर। तो फिलहाल हमारे पास एक नंबर है जिससे ज़्यादा ओबामा का पैसा नहीं हो सकता। अब बस एक चीज़ रह गया, और वो चीज़ है ऐसा एक नंबर ढूंढना जिससे कम भी ओबामा के पास पैसा नहीं होना चाहिए। ओके, देखो जहाँ तक हमने देखा है, ओबामा के बाप के पास एक बहुत ही बड़ा पतंग है, बहुत बड़ा सफारी पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है, एक राजकीय मतलब रॉयल ट्रेन है, और साथ में ओबो के पास एक खुद का कार भी है, और भाई इनकी खुद की आर्मी भी है जिसमें लगभग तुम्हें हर तरह के वेपन्स एंड व्हीकल्स मिल जाएंगे। भाई देख के तो लग रहा है कि कोई जापान से लड़ने आएगा तो ये लोग ही उनकी खाल खींच देंगे। और इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा, मतलब मैं नहीं बताने वाला, तुम खुद जाके देख लो। अब जहाँ तक मुझे लगता है, टोक्यो सिटी के पास जितना पैसा है, इनके पास उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा पैसा है। रीज़न मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले टोक्यो का देख लेते हैं। टोक्यो की बात हो, मतलब उसकी GDP की बात हो, तो वो बहुत ज़्यादा है, 1,600 बिलियन US डॉलर में। तो फिलहाल ओबो के बाप का नेटवर्थ 4.23 ट्रिलियन US डॉलर एंड 1,600 बिलियन के बीच में होगा। ओके, अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। ओबामा के बाप के पास टोक्यो से थोड़ा सा ही ज़्यादा पैसा होगा, 2,000 बिलियन US डॉलर में भी। लेकिन अगर तुम मुझे अमीर बनाना चाहते हो तो मुझे सपोर्ट करो, और क्या। बट ओबो के बाप के पास टोक्यो से ज़्यादा पैसा, इसका क्या सबूत है? एक चीज़ समझ लो कि जो बंदा अपने पैसे को कैसे भी खर्च करता है, जैसे कभी मिलिट्री आर्मी लेके आ जाता है, और कभी कुछ और लेके आ जाता है, और कभी कभी कुछ और ही कांड कर देता है। मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो इन कामों में उस पैसे को लगा के भी उसके पास और पैसा रहता है जिससे अपना बिजनेस कर सके। वैसे बहुत लोग कहते रहते कि ओबामा शिनचैन का कॉपी है, लेकिन अगर तुम शिनचैन का कोई हॉरर कहानी सुनना चाहते हो ना, तो ये वीडियो देख लो, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मिलते अगले वीडियो में। उससे पहले बाय बाय।